वेलकम। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी की इस वीडियो में। ग्रुप थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं सब ग्रुप्स। पीछे हमने ग्रुप थ्योरी को या ग्रुप को डिस्कशन किया था आपके साथ, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप सब, सब का मतलब उसका पार्ट हो गया जी। तो सब ग्रुप को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं जी। विद अ बाइनरी कंपोजिशन दिस डॉट बी ए ग्रुप। जी आपके पास एक ग्रुप है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, जी इज ए ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी। एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, उसको हम सब ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं? व्हेन एच अंडर द सेम कंपोजिशन इज ए ग्रुप, ठीक है ना। यानी एच भी जो कि सबसेट है जी का, वो भी ग्रुप वाली सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे, तो तब हम क्या कह देते हैं कि H इज द सब ग्रुप ऑफ G। किस तरह से लिखते हैं जी उसको? H इज सब ग्रुप ऑफ G, कुछ इस टाइप से। H इज सब ग्रुप ऑफ G, इज इट फाइन। तो ये आपके पास सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास है। अब आइए हम एक दो थ्योरम्स भी आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। क्या है जी ये पहली थ्योरम? H इज सब ग्रुप ऑफ G इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, ठीक है। यानी आपसे बोला गया कि H सब ग्रुप है G का, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो H सब ग्रुप होगा G का दोनों तरफ से, ठीक है ना। यानी implies and implied that from left side to right side and from right side to left side, दोनों side से मुझे prove करना। या इसी चीज को दूसरी ओर से, दूसरी तरह से भी कहा गया, a non-empty subset H of G is a subgroup of G if and only if। तो ये implies and implied that की जगह if and only if लिख दिया गया। A B inverse belongs to H for all A B belongs to H, ठीक है। या अगर आपके पास ये जो ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर, ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, तो उस कंडीशन में ए बी इनवर्स के प्लेस पर आप ए माइनस बी इज इन एच या ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बी के इनवर्स का मतलब एडिशन के केस में नेगेटिव बी, तो ए माइनस बी हम लोग उस कंडीशन में बोल दिया करते हैं। चलिए आइए इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग। कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। उसके लिए हम स्टार्ट लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो कंडीशन नेसेसरी में हम क्या लेके चलते हैं कि H इज द सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड A B बिलोंग्स टू H, ठीक है। H इज सब ग्रुप ऑफ G और A और B एलिमेंट हैं H के। अब मैंने आपको बताया कि H को सब ग्रुप कब कहते हैं, कि जब H भी अपने आप में एक ग्रुप हो जाए। इसका मतलब क्या लिखते हैं जी हम? अब लिखते हैं सिंस H इज इट्सेल्फ ए ग्रुप,
ठीक है, सब ग्रुप है तो पक्की बात है ग्रुप की सारी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता होगा जी। इसलिए बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी एच से, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, डेफिनेटली उस एलिमेंट का इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच एक ग्रुप है, ए बी का इनवर्स दैट बिलोंग्स टू एच, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होगा जी उसमें। तो ए बी इनवर्स का मतलब जो दो एलिमेंट्स आप एच से बिलोंग करने वाले ले रहे हैं उन पर ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो नया एलिमेंट आएगा वो भी एच से बिलोंग करेगा जी। बस यही तो प्रूव करना था जी। हो गया जी प्रूव। तो कंडीशन इज नेसेसरी में हमने एच को एक सब ग्रुप लेकर के चले और हमने प्रूव करके दिखा दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी तो हम कहते हैं जी द कंडीशन इज नेसेसरी। अब आइए जी दूसरी कंडीशन, द कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, अपोजिट लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ए और बी बिलोंग्स टू एच है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमें गिवन है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमने एच को सब ग्रुप प्रूव करके बताना है, यानी एच को एक ग्रुप की कंडीशन सारी सेटिस्फाई करके बतानी है जी। तो देखिए किस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहां थोड़ी सी जगह बनाते हैं। राइट, द कंडीशन इज सफिशिएंट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। हमने क्या किया, टेक ए इज इक्वल्स टू ई, अगर मैं ए की जगह ई पुट कर दूं तो क्या कर सकता हूं जी मैं? आप बोलेंगे ए की जगह आप ई पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ई और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, विच इंप्लाइज बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आसान सी बात होगी, तो बी का इनवर्स यानी बी बिलोंग्स टू एच है तो बी का इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया जी। और इसी तरीके से अगर मैं ले लूं बी इज इक्वल्स टू ए, बी की जगह ए पुट कर दूं यहां पर, तो मेरे पास क्या आ गया, ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जो कि ई बिलोंग्स टू एच हो गया। बल्कि ये स्टेप मुझे पहले करना चाहिए था, बी इज इक्वल टू ए तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, फिर आइडेंटिटी को हमको यहां यूज करना चाहिए था, ए की जगह ई पुट करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच हो गया, आपके पास इनवर्स एलिमेंट बिलोंग्स टू एच हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर मैं करने की कोशिश करूं, ए बी का इनवर्स और उसका भी इनवर्स, कोई भी एलिमेंट भी, आपने देखा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आपके पास आया जी, बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच और बी का इनवर्स मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो मुझे यहां गिवन था जी उस एलिमेंट का इनवर्स, तो बी इनवर्स का इनवर्स विच गिव्स मी ए बी बिलोंग्स टू एच।
तो क्लोजर लॉ मेरे पास सेटिस्फाई हो गया जी, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई करेगा जी। ऑल्सो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड, क्यों? क्योंकि H इज द सबसेट ऑफ G, तो G में अगर एलिमेंट्स एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं तो H में भी करेंगे। तो इस तरह से आपने सफिशिएंट कंडीशन में भी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H को लेकर के इस B इनवर्स की वैल्यू को, एक बार आपने B की वैल्यू को A पुट किया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, B की जगह E, A की जगह E पुट किया, आपके पास इनवर्स एलिमेंट्स आ गया जी। फिर आपने A B के प्लेस पर B इनवर्स पुट किया, इसमें उसका भी इनवर्स, तो A भी बिलोंग्स टू H आ गया, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब H इज द सबसेट ऑफ G, इसलिए एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जिससे आप क्या डिक्लेयर कर पाएंगे, आप डिक्लेयर कर पाएंगे hence H is subgroup, ग्रुप है, ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए सबसेट होने के कारण उसको आप सबग्रुप डिक्लेयर करेंगे, H is subgroup of G, is it fine? Correct। आइए एक थ्योरम और डिस्कशन करते हैं हम आगे। क्या है जी ये थ्योरम? इसमें बोला कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी इज ऑल्सो ए सबग्रुप ऑफ जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि डायरेक्टली भी हम लोग इसको यूज करेंगे और प्रूफ भी, चलिए हम इसका देख लेते हैं जी। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, तो मुझे दो सबग्रुप मान करके चलने पड़ेंगे, लेट H and K are two subgroups of group G. H और K दो subgroup आपने सपोज कर लिए। प्रूव क्या करना है आपको? आपने लिखा टू प्रूव H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G, इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखिए जी, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपने बोला सिंस एच इंटरसेक्शन के इज नॉन एम्प्टी, क्यों जी, क्यों नॉन एम्प्टी? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना वो सेम होता है। याद रखना है आपको कि जो ग्रुप जी है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, जो सब ग्रुप एच है, जितने भी सब ग्रुप हैं उन सब में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेम है। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो गया। यहां लिख देता हूं मैं, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा होगा एच इंटरसेक्शन के को, क्योंकि किसी ग्रुप में और सब ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के, सबसे पहली चीज आपने प्रूव की कि दैट इज नॉन एम्प्टी। चलिए अब हम क्या सपोज करते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करने वाले दो एलिमेंट्स हमने सपोज कर लिए, तो पक्की बात है ए और बी
बिलोंग कर रहे होंगे H को भी, और साथ ही साथ A और B बिलोंग कर रहे होंगे K को भी, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट का मतलब वो H में भी है और वो K में भी है, ठीक है। और H और K को क्या बोला जी आपने, H और K तो सब ग्रुप है, H and K are the two subgroups of G, ठीक है। तो A B belongs to H, अभी पीछे हमने थ्योरम प्रूव की कि A B का इनवर्स belongs to H, सबग्रुप की कंडीशन, सबग्रुप की थ्योरम प्रूव की अभी हमने, A और B H से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली A B इनवर्स belongs to H एंड A B इनवर्स belongs to K also, तो दोनों में कॉमन आ गया A B इनवर्स, तो क्या कह दूं जी, मैं बोल दूं A B इनवर्स belongs to H इंटरसेक्शन K। अब A और B, H और K दोनों में कॉमन थे, A B इनवर्स भी बिलोंग कर गया H इंटरसेक्शन K से, तो तब क्या बोल देंगे जी, सब ग्रुप बोल देंगे। सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, सो एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक, बस आसान सी बात है जी, याद भी रखनी है मुझे, और साथ ही साथ इस थ्योरम से हमने इसको करना भी सीख लिया जी, ठीक है। इस वीडियो में इतना रहने देंगे, थैंक यू वेरी मच।